Hello students, here we having next question that says that Shishir plant a rose in his garden. उसने अपने garden में rose plant grow किया है. उसका growth जो है वो हमें given है कि September में कितना grow हुआ, October में कितना हुआ, then November, December टू अप टू मार्च, मार्च तक का ग्रो हमें ग्राउंड चार्ट गिवन है यहाँ पे. और उसकी हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, दैट इज 0, 5, 10, 15, 20, 25 and 30. वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन बाय द बार ग्राफ. ये द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइट इन सितंबर. सितंबर में इसकी हाइट कितनी थी रोज प्लांट की, दैट इज 10 पे यहाँ पे हमें दिख रहा है, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर. That will be here 10 centimeter. Then height in March. March में कितनी हो गई थी उसकी height? That is यहाँ पे दिख रहा है, क्या है यहाँ पे 30. That will be 30 centimeter. Then we have given the height in January. Estimate क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे January में we can see that ना तो ये यहाँ पे है ना तो ये वाली line पे है. That is on middle. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज 20 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी कैन सी दैट 25. तो हाइट कितनी होगी 20 एंड 25 सेंटीमीटर के बीच में. वी कैन राइट दैट बिटवीन 20 एंड 25 सेंटीमीटर. ओके, आवर आंसर विल बी बिटवीन 20 एंड 25 सेंटीमीटर. Here the next question is how many centimeter did it grow from September to March. September में कितनी थी height 10 centimeter and March में कितनी थी, here we can see that here we having 30 है. कितना grow हुआ हमारा plant जो है वो यहाँ पे 5 then again 10 15 and 20 centimeter जो है वो हमारा plant grow हुआ. Okay, 20 सेंटीमीटर क्यों आया, यहाँ पे 10 थी ऑलरेडी, पहले से 10 सेंटीमीटर का तो प्लांट था ही, उसमें हमने 5 ऐड किया, 15 उसमें 5 ऐड किया, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी था, 5 ऐड किया एक बार तो 15 हो गया, दूसरी बार अगेन 5 ऐड किया तो 20 हो गया, अगेन 5 ऐड किया तो 25 हो गया, और अगेन 5 ऐड किया तो 30 हो गया. कितनी बार 5 ऐड किया, दैट इज 4 4 टाइम 5 4 जा दैट विल बी 20. तो आवर आंसर विल बी 20 सेंटीमीटर. ओके,